हेलो गाइस, मेरा नाम पुनीत है। आज का आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि आपके आधार से या आपके आईडी से या फिर आपके नाम से अभी कितने सिम कार्ड एक्टिवेट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया जिसके अंदर हम सिर्फ 9 सिम कार्ड अपने आईडी से निकलवा सकते हैं। इसके अलावा उनमें से 6 एक ऑपरेटर के हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हम अपनी एक आईडी से सिम कार्ड निकलवा नहीं सकते हैं। तो और गाइस, अगर आपने भी पहले किसी डाटा के लिए या फिर टॉक टाइम के लिए आपने फर्जी सिम कार्ड निकलवाए थे पहले, उनको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको बंद करवा सकते हैं। या फिर आपकी आईडी से कोई, जैसे कि पहले हम अपनी आईडी की कॉपी देते थे, तो उससे अगर किसी ने फर्जी सिम कार्ड निकलवा लिया है तो वो भी आप इस तरीके से पता कर पाएंगे कि आपके भी जो आधार कार्ड है उससे कितने सिम कार्ड एक्टिवेट है। तो आप अगर आपका मोबाइल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उन नंबर को बंद भी करवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितने आपके आईडी से सिम कार्ड एक्टिवेट हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, आप यहाँ पे ओके करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल का बटन है इस पर भी एक बार ओके कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिलते रहें। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको जस्ट अपने ब्राउज़र के अंदर आना और वहाँ पर आपको एक वेबसाइट टाइप करनी है, tapcop.digitelecom.gov.in। तो आप ये वेबसाइट नोट करके रख सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको जस्ट इस वेबसाइट पे जाना है। तो गाइस, ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई ऐसे वैसे फेक वेबसाइट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, लिखा हुआ है द टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो गाइस, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये अभी सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर एक्टिवेट है, वहाँ पर काम करता है, लेकिन मैंने इसको यूज़ करके देखा है ये अभी पूरे इंडिया के अंदर काम कर रहा है, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे गाइस, जस्ट आपको आपका जो मेन मोबाइल नंबर है जो आप डेली यूज़ में लेते हो, वो आपको यहाँ पे टाइप करना और ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे मैं अब रिक्वेस्ट ओटीपी पे ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास जो ओटीपी आएंगे वो मेरे को इसके अंदर डालना रहेगा। तो चलिए, मैं ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर देता, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ तो गाइस मैं ओटीपी डाल देता हूँ और यहाँ पे वैलिडेट कर देता हूँ, तो मैं उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, यू मे चूज़ टू सेलेक्ट द नंबर दैट आर नॉट इन योर नेम और नॉट रिक्वायर्ड एंड सबमिट योर रिपोर्ट। मतलब ऐसा कोई नंबर है जो आप यूज़ में नहीं लेते हैं, किसी ने आपके आईडी से निकलवा लिया है, या फिर ऐसा नंबर है जो आपको अब रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने ऐसे ही वो बंद पड़ा है, तो आप उनको सेलेक्ट करके उनको बंद करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस, आप नीचे देख सकते हैं, मेरे आईडी से जितने भी नंबर एक्टिवेट हैं वो सारे इसके नंबर वो आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन है हमारे पास, तीन ऑप्शन हमें मिलते हैं, दिस इज़ नॉट माई, एक नॉट रिक्वायर्ड और एक रिक्वायर्ड। तो अगर आपको ये नंबर रखना है तो आपको कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये नंबर आप रखना नहीं चाहते हैं या फिर ये नंबर आपका नहीं है, किसी ने आपके आईडी से निकलवा लिया, तो आप उसको वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी नंबर आपको रिपोर्ट करना है उसको आपको जस्ट सेलेक्ट करना है। तो जैसे ये ऊपर एक नंबर है, ये सिम मेरी मैंने यूज़ में नहीं लिया, बस एक बार निकलवाई थी और घर पे दे दी थी, बाद में इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ये बंद पड़ी है। तो अभी मैं, अगर किसी ने मेरे नाम से निकलवाई होती तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता दिस इज़ नॉट माई, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं यही कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट माई और एक नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं दिस इज़ नॉट माई पे ओके करके नीचे सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप नॉट रिक्वायर्ड पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैं रिपोर्ट पर कर देता हूँ। यहाँ पे हमें अपना नाम भी लिखना होगा, तो मैं ऊपर अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और अभी गाइस, मैं सबमिट करने के बाद में मेरे पास एक रिपोर्ट आईडी भी आ जाएगी, तो एक मेरे पास टिकट आईडी आ चुकी है। तो ये टिकट आईडी मैं अपनी इस जो रिपोर्ट है इसको ट्रैक कर सकता हूँ कि अभी वो सिम बंद हुई है कि नहीं हुई। तो आपको ये नोट कर लेना, और बाकी इसका मैसेज भी आपके पास आ जाएगा ट्रैकिंग आईडी का, तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर ट्रैक करने के लिए भी मिलेगा। तो मैं वो जो मेरी ट्रैकिंग आईडी है, देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ट्रैक करने के स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे ही इस पर कुछ एक्शन गवर्नमेंट लेती है तो वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से गाइस आप सिम बंद करवा सकते हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।